हाय गाइस, दिस इज जीआर एंड यू आर वाचिंग वर्क एट आवर जॉब हेल्पफुल फ्रेंड्स। मैं लेके हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और फ्री जॉब। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और पास वाले घंटे को भी दबा लो ताकि नई नई जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। गाइस, आज का ये जॉब होने वाला है बहुत ही कमाल का, बहुत ही अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए है, पढ़े लोगों के लिए भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अनपढ़ वाले, थंबनेल में वैसे लगाया है मैंने अनपढ़ लोगों के लिए, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं ये काम। काम कौन सा रहेगा, टाइमिंग कैसा रहेगा, सैलरी कैसा रहेगा और बेनिफिट क्या क्या रहेगा, तो आइए देखते हैं। गाइस, हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए फ्री जॉब लेके आया हूँ। हमारी कंपनी हमेशा की तरह आप लोगों के लिए फ्री जॉब प्रोवाइड करती है। दूसरी कंसल्टेंसी की एजेंसी और दूसरी एजेंसी की तरह हम लोगों के पास ना तो कोई ज्वाइनिंग फॉर्म, ज्वाइनिंग चार्ज या फिर कंसल्टेंसी फीस का कुछ भी नहीं रहता है। आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, फ्री में आपको काम मिलता है। और एक बार काम पे जाइए, जाने के बाद में आपको पसंद नहीं आया तो काम चेंज कर सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 10 जगह से काम चेंज कर सकते हैं, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है, वो भी पूरा फ्री में है। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो होने वाला है वो होने वाला है केटरिंग में काम, केटरिंग में हेल्पर का काम, केटरिंग में वेटर का काम, केटरिंग में मजदूरी का काम, हेल्पर का काम। तो आप लोगों को किचन में केटरिंग का काम मिलने वाला है। केटरिंग का काम मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाला था, लेकिन ये अलग कंपनी थी, वो अलग कंपनी है। वहां रिक्वायरमेंट पढ़े लिखों की थी, लेकिन यहाँ पर पढ़े लिखों की जरूरत नहीं है। आप चाहे अनपढ़ हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं तो भी इस काम में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेन इसमें एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट की मैं शुरुआत से बात करूंगा तो 18 तो मिनिमम रहेगी। इसके अलावा हाईएस्ट, सबसे ज्यादा जो 18 टू 30 इयर्स लास्ट, 30 साल तक इसमें बंदा अप्लाई कर सकता, इससे ऊपर बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। गाइस, मैं जो बोल रहा हूँ अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा कि काफी लोग जो है कंफ्यूजन में हो जाते हैं, काफी लड़के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं सैलरी कुछ और बोलता हूँ, वो कुछ और समझने लगते हैं। मैं आपको जो सैलरी बताता हूँ वो इन हैंड सैलरी बताता हूँ, जो आपके अकाउंट में आने वाली होती है, जो आपको मिलने वाली सैलरी होती है वही सैलरी हम लोग बताते हैं। कभी भी जो है धोखे वाली सैलरी या फिर CTC सैलरी नहीं बताते हैं, जैसे दूसरे कंपनी वाले बताते हैं। दूसरे कंपनी वाले आपको 18, 20, 17 से ऊपर ही बताएंगे, कोई 10, 12 की सैलरी नहीं बताएगा। लेकिन जब आप काम पे जाएंगे, काम करेंगे एक महीना, तब आपको जब सैलरी दी जाती है तब आपको पता चलता है कि एक्चुअल में सैलरी क्या रहती है। लेकिन हमारी कंपनी क्या करती है कि आपको एग्जैक्ट सैलरी बताती है आप, ताकि आपको धोखे में ना रहे, आपके साथ कुछ धोखा ना हो। तो इसमें जो सैलरी होने वाली है वो होने वाली है एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को 12,000। एक्सपीरियंस जो पहले केटरिंग का काम कर चुका है या फिर जो पढ़ा लिखा है, जिसको इंग्लिश का नॉलेज है, उसकी सैलरी 12,000। हफ्ते का एक छुट्टी रहेगा एवरी संडे को। इसके अलावा कैंडिडेट्स का ESI PF फैसिलिटी रहेगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स का 8 से 9 घंटा ड्यूटी रहेगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स को रूम भी फ्री रहेगा और खाना भी फ्री रहेगा। कैंडिडेट्स को कंपनी की तरफ से एक प्रॉपर यूनिफॉर्म दिया जाएगा, एक ड्रेस दिया जाएगा, शू सॉक्स सब कुछ दिया जाएगा। उसका अमाउंट जो है वो कंपनी धीरे धीरे डिडक्शन करती है। अगर आप इस कंपनी में काम करते हैं और कंपनी आपको काम पे रखती है, ट्रेनिंग देती है जो फ्री रहता है, ट्रेनिंग का कोई चार्ज नहीं रहता है, ट्रेनिंग देने के बाद आपको काम पे भेजती है, 10-15 दिन 20 दिन वो आपका काम देखती है, काम कैसे करता है बंदा, फास्ट करता है, जल्दी जल्दी करता है या स्लो करता है, पढ़ने में कैसा है, तेज है या स्लो है, अगर आप उनके अकॉर्डिंग काम कर पाते हैं तो आपकी सैलरी 12,000 होती है, नहीं तो 11,000 सैलरी होती है। स्टार्टिंग 11,000 सैलरी और खाना भी फ्री, रहना भी फ्री, ESI PF सारी की सारी फैसिलिटी इसमें भी सेम रहेगी। इसके अलावा 2 महीने के बाद में आपकी सैलरी 12,000 कर दी जाती है। जैसे ही आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, जस्ट 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद में आपकी सैलरी 12,000 कर दी जाती है। अगर आप
कंपनी के थ्रू निकाले जाते हैं। मान लो कि 10-15 दिन काम किया है और आप कंपनी को पसंद नहीं है कि एकदम ही स्लो आदमी है, कर ही नहीं पा रहा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कंपनी क्या बोलती है कि 3 दिन का आपको टाइम देती है। 3 दिन पहले हम लोगों को इन्फॉर्म करती है कंपनी कि सर आपने जो लड़का भेजा था वो काम नहीं कर पा रहा है, हम कैंडिडेट्स को बंदे को नहीं रख सकते हैं, ये जो बंदा 15-20 दिन जो काम किया है उसका पेमेंट मैं लड़के को देता हूँ और आप इसको कहीं दूसरी जगह भेज दीजिए। तो इतनी अच्छी फैसिलिटी वाला काम, इतनी अच्छी फैसिलिटी वाली जॉब आपको कहीं पर भी नहीं देखने मिलेगी जो 15 दिन का पेमेंट देती है, जो 10 दिन का पेमेंट देती है, कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बेंगलोर में क्या, कहीं पर भी देखने को हमें नहीं मिलेगा जहां आप 15 दिन 20 दिन काम करने छोड़ने के बाद पेमेंट देती है। अगर आप निकल जाते हैं वहां पे, या फिर आप वहां से जैसे भागना बोलते हैं ना, लड़के भाग गए निकल गए, तो उसका हम लोग अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। फिर भी कंपनी ट्राई करती है कि वो अमाउंट 10-15 दिन का आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर देती है। तो इतनी अच्छी फैसिलिटी वाले, इतना अच्छा काम तो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, जो फ्री भी रहता है, जो सारी फैसिलिटी के साथ में रहता है, प्लस 10 से 15 दिन काम करने का भी आपका पेमेंट रिलीज होता है। सीटीसी, अब मैं बात करूं जो अदर्स एजेंसी और अदर दूसरी कंपनी वाले जो है आपको बताते हैं, अगर सीटीसी बात करूं मैं तो 12,000 सैलरी है सीटीसी, बोले तो ईएसआईपीएफ मिलेगा इसमें, ईएसआईपीएफ 1,200 रुपये, कितना हो गया 13,200, प्लस हफ्ते का छुट्टी वगैरह मान के चलिए, खाना पीना रूम का मान के चलिए, एक खाना पीना मान के चलिए आदमी 3-4 हज़ार रुपये का खाता है, तो वो भी इंक्लूड कर लीजिए, कितना हो गया 13 और 4 17, और रूम का 2-3 हज़ार समझ लीजिए, या फिर एक जहाँ पे आप पीजी लेते हैं ना 4-5 हज़ार पीजी का ही समझ लीजिए, खाना पीना सबके साथ में, तो कितना हो गया 4 13 प्लस 4 17,000, आपकी सैलरी 17,000 के लगभग रहती है। वही सैलरी मैं जो आपको बताता हूँ ना, वही सैलरी अगर आप यही वीडियो और यही सैलरी आप दूसरी जगह जाएंगे ना, तो आपको स्टार्टिंग में 17 ही बताया जाएगा, 17,000 18,000 सैलरी दी जाती है, आ जाओ भाई काम पे आ जाओ, फिर आपसे 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 पता नहीं कितने लूटते हैं और आप लोग लुटवाते हैं पैसे। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं रहता है, यहाँ पे नीट एंड क्लीन एकदम पानी की तरह, कांच की तरह आपको साफ दिखाई दिया जाता है, आईना की तरह दिखाया जाता है कि सैलरी कितनी होने वाली है, टाइमिंग क्या होने वाला है, क्या क्या फैसिलिटी रहने वाली, एवरीथिंग इज क्लियर। तो इसमें अनपढ़ भी अप्लाई कर सकता है और जो है पढ़ा लिखा भी अप्लाई कर सकता है। सैलरी जैसे मैंने बताया, पढ़े लिखों का 12,000 होने वाला है और अनपढ़ का 11,000 होने वाला है, लेकिन अनपढ़ का सैलरी सिर्फ 2 महीने तक ही 11,000 रहता है, बाद में उसकी सैलरी भी 12,000 हो जाती है। ईएसआईपीएफ की फैसिलिटी रहती है, खाना भी फ्री रहता है, रूम भी फ्री रहता है, प्लस 9 घंटा ड्यूटी रहता है। इसके अलावा कंपनी इंश्योरेंस करवा के देती है, इसके अलावा अटेंडेंस बोनस रहता है, ज्वाइनिंग बोनस रहता है, प्रॉपर एक ड्रेस कोड रहता है। तो कहने का मतलब है कि ये कंपनी जो रहता है वो कंपनी एक समझ लीजिए कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, आपका आईडी कार्ड भी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता। तो इतनी अच्छी जॉब्स जो है मेरे हिसाब से कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, होने वाली है सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स लोगों के लिए, ओनली सिर्फ लड़के लोगों के लिए है। अब लैंग्वेज की बात करूं तो कोई भी चलेगा, हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयाली, सब कुछ लैंग्वेज इसमें चलता है, लेकिन टाइम पास करने के लिए नहीं आएगा इसमें। काफी टाइम से ये नोट कर रहा हूँ, हमारी कंपनी यही देखती है कि होता ये है कि कंसल्टेंसी जो फीस ली जाती है ना वो हम लोग नहीं लेते, इसलिए क्या करते हैं कि कैंडिडेट्स क्या सोचता है कि चलो घूम के आते हैं, 2-4 दिन खाएंगे पिएंगे रहेंगे होटल में, पसंद आए तो करेंगे नहीं तो भाग जाएंगे, वही होता है। वो लोग हमारा वीडियो देख के आते हैं, 1-2-4 दिन काम करते हैं, फिर पता नहीं कौन सा दूसरा वीडियो जो है 17-18 हज़ार का, कोई भी कंपनी का, एक्स वाई जेड कंपनी का जो फ्रॉड से बोलती है उसका देखते हैं, फिर भाग जाते हैं। वही कैंडिडेट्स फिर 2 महीने बाद हम लोगों के पास कॉल करता है। मतलब ये बताओ कि आपको ऐसा जो है ना, एक 10-20%, 10 से 15% लड़के ऐसे करते हैं, महीने में 3 बार कॉल तो वो करेंगे ही करेंगे, ऐसे बंदे जो सिर्फ भटकती आत्मा की तरह रहते हैं, आज यहाँ जाएंगे कल वहां जाएंगे, जो कहीं पर भी टिक के एक जगह, जम के एक जगह जो है स्थिर रूप से काम नहीं करते हैं।
तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि टाइम पास करने के लिए नहीं आए, कहीं ऐसा ना हो कि देखिए हम लोगों को भी चार्ज अप्लाई करना पड़े सिर्फ आप लोगों के चक्कर में। जो बेचारे जेनुअन काम करने वाले हैं उनको फिर जो है कहीं पेट पे लात ना मारे। तो उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि टाइम पास करने के लिए नहीं आए। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ फेक है और इतना नहीं मिलता है, तो रिक्वेस्ट आपके वीडियो को स्टार्टिंग से ही नहीं देखें, आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है सिर्फ जिसको काम की जरूरत रहती है, जिसको काम की नीड रहती है। ये वीडियो, ये हमारा चैनल उन लोगों के लिए है, उन लड़के लोगों के लिए है, उन कैंडिडेट्स लोगों के लिए जो काफ़ी टाइम से घर पे बैठे हैं, जिसको काम नहीं मिल रहा, जहाँ यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, जो यहाँ वहाँ काफ़ी पैसे दे चुके हैं, उन लोगों के लिए जो जेन्युइन जॉब। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना नहीं भूलें, शेयर जरूर करें। और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स करना नहीं भूलें, हम लोग आपकी कमेंट्स का तुरंत रिप्लाई देते हैं। इसके अलावा एक और बात कि आप लोग जब कॉल करते हैं, लगता है कि आपको एक नंबर बिजी आ रहा, तो ट्राई कीजिए कि दूसरे नंबर पे, इसलिए हमारी कंपनी अभी दो नंबर आपको प्रोवाइड किया है, तो ट्राई कीजिए कि दूसरा नंबर पे लगाने की। और एक बात कि गाइस, हम लोगों की तरफ से मैं कई बार बोलता हूँ कि टाइमिंग आप देखिए यार, रात के 2-2 बजे लड़के लोग फोन करते हैं, फोन करके पूछते हैं सर काम चाहिए। अब यार रात के 2 बजे मुझे ऐसा बताइए, कौन सी ऐसी कंपनी रहती है जो आपको काम देगी? रात के 11-12 बजे कौन सी आपको ऐसी कंपनी मिलेगी जो काम देती है? हम लोग रात के 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे तक उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं लड़के लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं जो ऑलरेडी आ रहे हैं, या फिर जो ऑलरेडी कमिटमेंट कर चुके हैं, जो ट्रेन में चल रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, या फिर उतरने वाले हैं या उतर चुके हैं, उन लोगों के लिए हम लोग अवेलेबल रहते हैं 24 आवर्स। न कि इंक्वायरी करने के लिए, अगर आपको इंक्वायरी करना है तो आप सुबह 10 बजे से लगाकर शाम 5 बजे तक कॉल करें, मंडे टू फ्राइडे तक। सैटरडे कॉल, संडे कॉल नहीं करें। सैटरडे संडे आप व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं, हम लोगों का टीम एनी टाइम आप लोगों को आंसर देने के लिए तैयार रहती है, तत्पर रहती है, रेडी रहती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा वीडियो है यह, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है यह, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर एक बार जरूर करें ताकि उनको कुछ हेल्प मिल जाए। तो गाइस, हम हाजिर होते हैं कुछ एक और नई जॉब अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।